फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुलजुगल ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग्स के साथ। और फ्रेंड्स, आगे आगे बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। एक्चुअली मैंने ये सारा ढेर निकाला हुआ है क्योंकि हम लोग जा रहे घूमने एक अच्छी सी ट्रिप के लिए, जो होली के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम क्या क्या पैक कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी कहीं घूमने जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको मतलब कंपलसरी रखनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ, मैंने मतलब ऐसे छोटे छोटे पाउच है ना लेके रखे, क्योंकि मैं जब मम्मी के घर पे गुजरात जाती हूँ तब भी मैं मतलब ऐसे कैरी करके चलती हूँ, ताकि मतलब हमें इजिली मिल सके सारी चीजें। ठीक है, और हम मतलब इजिली कहीं पे भी ये डायरेक्ट ले जा सकते है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ इसमें मतलब जो भी हमारी नेसेसरी कैप्सूल है, मतलब ठीक है, जो हमें चाहिए दवाइयां, तो वो दवाइयों के लिए मैंने ले लिया है। तो ये मैंने पैरासिटामोल ले लिए, ठीक है। इसमें सेराडन है, ये विक्स हो गया डुगू का बेबी के लिए, ठीक है। फिर डुगू का पैरासिटामोल ले लिए मैंने। इसमें छोटा सा शैम्पू थोड़ा सा फिल कर दिया है। यहाँ पे साबुन हो गए, बीटाडिन ले लिया है। फिर फ्रेंड्स, ये बैंडेज ले ली है। मैं ऐसी चीजें हमेशा के लिए कैरी करके चलती हूँ। आई थिंक चलो, हमें भगवान ना करे हमें ऐसी कोई चीजों की नीड पड़े, बट हो सकता है कभी पड़ गया, या कभी किसी को भी मतलब आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, कभी किसी को भी जरूरत पड़े तो आप इजीली उनको दे सकते हो किसी की हेल्प के लिए। तो प्लीज आप ये चीजें साथ रख लिया करो ट्रेन में जा रहे। तो ये मैं मतलब जो पेपर सोप आता है वो भी अपने साथ रखती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और ये डुगू का बेबी मॉइस्चराइजर क्रीम, तो मेरे ये फर्स्ट बैग रेडी हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने सेकंड मतलब ऐसे स्टोरेज बॉक्स, आपने देखा होगा मैं ये स्पार से लाई थी, ये छोटा स्टोरेज बॉक्स, तो देखो मैं इसे यूज के लिए लेके आती हूँ ताकि अच्छा रहते है। तो इसमें भी फ्रेंड्स, मैंने मतलब नॉर्मल अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी रख ली है, जैसे ये हमारा मॉइस्चराइजर हो गया, फिर फेस वॉश है, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा मतलब जैसे लिपस्टिक्स हो गए, लाइनर हो गया, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज जो मैंने रखी है वो है वाओ का सनस्क्रीन, जो बहुत ही अच्छा है और आपको मतलब सन से टेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा ये मतलब आपको बचाता है। तो प्लीज ये लेके आप एक बार ट्राई जरूर करना, ये बहुत अच्छा है। तो बस ये मैंने सनस्क्रीन भी रख लिया, क्योंकि हम लोग मतलब पूरे 3 दिन तक घूमेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको पता होगा टेनिंग बहुत ज्यादा होगी, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ये वाला अपने पास कैरी करके रख लिया है, ठीक है। और फिर मतलब जो भी लिपस्टिक डेली नीड की मतलब जो भी चीज होगी, ठीक है, वो मैंने इसमें कैरी कर ली है। यहाँ पे मैंने थोड़े से मतलब एयरिंग अपने रख लिए, मैं भी चेंज करूंगी तो ये अपने पास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार हम चेंज नहीं करते, कई बार कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे मैंने है ना डुबू के जैसे मतलब मैं फर्स्ट टाइम हॉपस्कॉच से मतलब कपड़े मंगाती हूँ, ऑर्डर करती हूँ, तो इसमें ऐसे ऐसे कैरी बैग जाते हैं, तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ ताकि ऐसे ट्रैवलिंग में हमें इसकी जरूरत पड़े। तो देखो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने ये डुबू के सारे सॉक्स है वो भी रख लिए है 3/4। ऐसे मैंने सैंडो रख ली है ताकि गर्मी है, ठीक है, वहां पे हो सकता है उनकी नीड पड़े, तो इसीलिए मैंने वो भी रख लिया है। प्लीज फ्रेंड, आप भी ये जरूर अपने साथ कैरी करके चलना, फिर वही गर्मी का टाइम है तो इसके बिना तो अधूरा है। रोल ऑन भी रख लिया है। और फ्रेंड्स देखो, मैं सारी चीजें मोस्ट ऑफ यही रखती हूँ ताकि मुझे सामने दिखे कि हाँ मैंने चीज कहाँ पे रखी और मैं याद भी रखती हूँ। ब्रश हो गए, कॉलगेट्स हो गई, ठीक है। और शैम्पू भी फ्रेंड्स मैंने रख लिए, क्योंकि कई बार शैम्पू के शीशे, ठीक है, हमें जल्दी जल्दी में हो तो वहां पे अवेलेबल हो ना होटल्स में, ठीक है, या कुछ भी हो तो हमारे पास हो तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि डेली हस्बैंड मतलब हेयर पे शैम्पू करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे शीशे मेरे पास अभी घर पे अवेलेबल थे तो मैंने वो वाले ही ले लिए, ठीक है। तो ये चीजें भी मैंने रख ली है। वाइप्स, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। ये डुगू का वाइप्स मैंने ले लिया है, क्योंकि डुगू को ये वाइप्स चाहिए भी होगा वहां पे, तो ये रहा वाइप्स हो गया, ठीक है। परफ्यूम्स, और फिर ये डुगू को मैंने पूरा कैरी बैग लिया है, ये है इसमें नाश्ते का उसका चटर पटर, कभी भी वो रोने लग जाए तो इसके पास चटर पटर हो तो कुछ भी वो खा सकती है। तो बस इसमें मेरे उनके लिए केक हो गए, चिप्स हो गए, ठीक है, ये मतलब पास्ता पॉपकॉर्न हो गए, इसमें छोटे से बिस्किट्स, ये जेंट्स हो गए, ठीक है। मैंने बंस भी ले लिए, अपने लिए भी काम लगता है फ्रेंड्स, ठीक है।
और ये सब बिस्किट्स ले लिए। अभी फिर हस्बैंड को बोला है एप्पल भी लेके आएंगे, अनार भी ले लिया मैंने एक ये। क्योंकि फ्रेंड्स कभी आपके पास बच्चे को भूख लगे, आपके पास ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इससे अच्छा घर का सामान आप खुद लेके चलो कैरी करके, ताकि ट्रेन में भी लेने की नीड ना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा ट्रेन में ऑफकोर्स इतना गंदा रहता है, ठीक है, कोई कितनी बार टच करता है वहां पे हो, तो इससे अच्छा आपका खुद का हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो फ्रेंड्स डुगू के गॉगल्स, ठीक है, डायपर्स, उनके बिना तो चलने वाला है ही नहीं फ्रेंड्स हमें, ठीक है। यहाँ पे फिर हस्बैंड के कपड़े सारे मैंने निकाले अच्छी तरह से प्रेस करके, यहाँ पे ये वाले मेरे कपड़े हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये रहे डुगो के, डुगो को मैंने नाइट ड्रेस भी निकाल लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि फुल स्लीव्स का मैंने नाइट ड्रेस ले लिया। हम लोग जाएंगे वहां पे गर्मी होगी, ये डुगो की छोटी सी केपू, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल मैंने मतलब ये दो फुल स्लीव्स लिए हैं, ताकि हो सकता है वहां पे ज्यादा गर्मी हो या कुछ भी हो, या मौसम का कोई आइडिया नहीं है फ्रेंड्स, और ठंड हो तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऐसे मैंने दो लेगिंग भी रख ली है उसके लिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट काफी सारे उसके लिए ले है, तो ऐसे मैंने फुल मतलब पतली वाली कॉटन की लेगिंग भी रख ली, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो मच्छर, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान रख के चलना पड़ता है। ये हो गया बेल्ट फ्रेंड्स, और बस वही। फिर हमारे कपड़े, तो फ्रेंड्स बस हमने यही चीजें कैरी कर के चल रहे, ठीक है। प्लीज ये चीज आप भी जरूर अपने साथ लेके चलना। टॉवेल भी हम मतलब ऐसे मैंने दो टॉवेल ले लिए, क्योंकि कई बार ये रहता है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो, टॉवेल अच्छे होते हैं नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा के लिए टॉवेल भी कैरी करके चलती हूँ। चाहे पतला वाला ले लो, बट होटल वाला यूज मत करो, क्योंकि यार वो किस तरह से इस्तेमाल करते है क्या होता है, तो मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली, तो इसीलिए मैं मतलब घर के टॉवेल लेके चलती हूँ हर बार, ठीक है। वो ट्रेन में भी अच्छा रहता है, तो इसीलिए फिर मैंने ये टॉवेल ले लिए, ठीक है। और डुगू के लिए ऐसे मैंने सैंडल भी कैरी कर लिए, ताकि उसको भी कंफर्टेबल लगे चलने में, ज्यादा गर्मी ना हो, ठीक है। और फिर वही बात है फ्रेंड, हस्बैंड के लिए सॉक्स, हैंकीज और सारा कुछ, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से, फर्स्ट ऑफ ये मेरा बैग है, ठीक है, तो इसको मैं पैक कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा आधा बैग कंप्लीट पैक हो चुका है, ठीक है। अभी बस काफी सारी चीजें मतलब बची हुई है, मैं उनको भी मतलब ये पूरा पार्ट है अभी खाली है, तो उनको भी पहले मतलब मैं फिल कर लेती हूँ, भर लेती हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड, डुगू यहाँ पे सो रहा है। इसका जो टाइम है वो 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि हमारी घड़ी वो 10 मिनट लेट है, ठीक है, आगे है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि हमें अभी 10 बजे निकलना है, 10 बजे की हमारी ट्रेन है इसीलिए। तो यार यहाँ पे मैंने साबूदाना भी भिगो दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्रेंड्स जल्दी खाने में अच्छा नहीं लगता कि जल्दी जल्दी खा के आप चले जाओ, ठीक है, सब्जी रोटी, फिर वो खाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला साबूदाना की खिचड़ी बना दो, ठीक है, और छाछ, तो अच्छा लगेगा। तो बस वही मैं बना रही हूँ अभी, ठीक है। हस्बैंड भी ऑफिस से निकल गए, और चलो पैकिंग दिखा देती हूँ कितनी हो गई है मेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पैकिंग भी ट्रॉली है वो पूरी फुल हो चुकी है, बस ये थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए जो चटर पटर है वो मैंने बाहर रख लिया है, ठीक है। और ये डुगू का मतलब जो पेट दर्द के लिए दवाई भी मैंने ले ली है, हो सकता है मतलब, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो अपने पास सही है। और मैं अपने ट्रैवलिंग्स में ये मतलब आई ड्रॉप ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि हमारी नींद है वो ट्रैवलिंग में कंप्लीट नहीं हो सकती, या आप कहीं जा रहे हो तो प्रॉपर नहीं होती, तो इसीलिए मैंने ये आई ड्रॉप भी अपने रख लिए, ताकि इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है आई पे। और बस वही देखो, ट्रेन के लिए मैंने मतलब पेपर सॉप भी रख लिया, मॉइस्चराइजर क्रीम भी रख दी, और ये मेरा स्टैंड भी रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस चलो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स हाँ, ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि अब मैं यहाँ से मतलब हम लोग निकलने के बाद मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तब तक बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।